अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक नए वन प्लस 5 के कलर के बारे में। वन प्लस 5 का ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है और इस डिवाइस को लॉन्च होने में बहुत ही कम समय अभी रह गया है। वन प्लस 5 का नया कलर वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, वन प्लस 5 रीलॉन्च नहीं होने वाला है। ये वन प्लस 5T नहीं है, ये वन प्लस 5 ही है, लेकिन इसका नया कलर वन प्लस ने डिसाइड किया है लॉन्च करने के लिए और इस कलर का नाम है सॉफ्ट गोल्ड कलर। तो सॉफ्ट गोल्ड कलर बेसिकली आया है मार्केट में क्योंकि दिवाली आने वाली है और हम सभी लोगों को गोल्ड पसंद है। मुझे भी थोड़ा बहुत गोल्ड कलर अच्छा लगता है, हालांकि मैट फिनिश ब्लैक कलर जो है बहुत छाया हुआ है मार्केट में आईफोन 7 के लॉन्च के बाद, और ऐसे में वन प्लस 5 इनिशियली मैट फिनिश ब्लैक कलर में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन सॉफ्ट गोल्ड कलर में वन प्लस 5 अब आने वाला है और आप लोगों को मिल जाएगा Amazon.in पे और बाकी मार्केट में भी। तो कुछ इस तरह का दिखता है सॉफ्ट गोल्ड कलर वन प्लस 5 का। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे मैट फिनिश ब्लैक कलर के साथ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं देखने को मिलते हैं। और मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि वन प्लस 5 का सॉफ्ट गोल्ड कलर अच्छा दिख रहा है, साथ ही साथ सॉफ्ट गोल्ड कलर के साथ यहाँ पे जो बेजल दिया गया है वो वाइट दिया गया है, जबकि ब्लैक वाले फ़ोन में आपको ब्लैक बेजल मिलता है। तो यहाँ पे एक मैं कह सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गोल्ड कलर की तो हमेशा का सदाबहार कलर बेसिकली जो इंडियंस को ज़्यादा पसंद आता है वो ये कलर है, लेकिन गीक्स को ज़्यादा पसंद आने वाला कलर है ब्लैक। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे दोनों ही कलर अच्छे लगते हैं। और अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो मुझे ये कलर ज्यादा पसंद आता है, जबकि ये कलर ठीक है, क्योंकि ये कलर ठीक तो है मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा समय यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता है ये फ़ोन, बहुत ही रेगुलर सा फ़ोन लगता है। लेकिन गोल्ड कलर अगर आप इसके ऊपर कवर वगैरह लगा के रखें तो ये हमेशा ऐसा शाइन करता रहता है, जो कि मुझे पसंद है। और ऐसे में वन प्लस ने डिसाइड कर लिया है कि ये शाइनी गोल्ड कलर फिनिशिंग, बहुत ही सटल तरह की फिनिशिंग जो है आपको मिल रही है वन प्लस 5 के सॉफ्ट गोल्ड कलर वेरियंट में। और यहाँ पर जो वन प्लस का लोगो है वो अच्छे से शाइन कर रहा है, बाकी यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो मैट फिनिशिंग है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी फ़ोन है ये। अब देखते हैं कि इसकी बॉक्स में आपको बाकी और क्या क्या मिलता है और क्या हमें मिलती है गोल्ड कलर की केबल या नहीं, ये हम पता लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वन प्लस 5 के सॉफ्ट गोल्ड कलर की अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स का कलर वही है सेम जैसा आपको पहले मिलता था, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे वाइट है। तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको वन प्लस 5 सॉफ्ट गोल्ड डिवाइस के बॉक्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का बॉक्स है यहाँ पे वन प्लस 5 सॉफ्ट गोल्ड वेरिएंट का। अब अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको पहली चीज़ बॉक्स के अंदर जो है डिवाइस, और ये कुछ इस तरह का दिखता है क्लोजअप में अगर आप देखना चाहते हैं तो। काफ़ी अच्छी शाइनी फिनिशिंग के साथ ये फ़ोन आता है और काफ़ी सटल फिनिशिंग है इसकी। तो बॉटम पे कुछ ऐसा दिखता है, एजिस पे कुछ इस तरह का है, और अगेन बिल्कुल बिल्ड क्वालिटी के मामले में वैसा ही है जैसा आपने वन प्लस 5 का ब्लैक मैट फिनिश वेरिएंट देखा है। अब देखते हैं बॉक्स में बाकी और हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेंगे हमें कुछ यूज़र मैनुअल्स हमेशा की तरह, तो बहुत ही सिमिलर तरह का बॉक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है आपको, इसके बाद मिलता है सिम इजेक्शन टूल जो एक मेटल सिम ट्रे है, और इसके बाद यहाँ पे एक फैम्पलेट मिल जाता है। इस फैम्पलेट को निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हम किस तरह से ये डिवाइस डिफरेंट है लुक एंड फील में।